हेयर वी आर समवेयर बिहाइंड चक्राता, 28 किलोमीटर से रह गए चक्राता यहाँ से। अगर आप वाटरफॉल देखने चाहते हैं तो एक छोटा सा वाटरफॉल यहाँ पे भी दिख रहा है मेरे को, जूम करके दिखा दिया मैंने। तो अभी हम एक जगह आए हैं, ये कोई रिवर व्यू रिजॉर्ट करके है। ये जो आपको दिख रहा है इसको पहाड़ी में बोलते हैं घराट, हिमाचली में। चक्की पानी के प्रेशर से वो घूम रही है और आटा पिस रहा है और यहाँ इकट्ठा हो रहा है नीचे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज मी करण, योर होस्ट एंड दोस्त द माइल राइडर। और मेरे साथ में विनय। हेलो, मेरा ब्रदर इन लॉ। तो मैं और विनय आज फिर से चक्राता की ओर जा रहे हैं और अभी हम हैं कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और रास्ता देखो, आप आपको दिखाता हूँ मैं। अगर गाड़ी हिलना बंद होगी तो हम कुछ दिखा पाएंगे। ये देखो क्या लाजवाब रास्ता है यार इस जगह का, बहुत बढ़िया है। आज मैंने सोचा कर ही लेते हैं व्लॉग शूट, अब निकले हैं तो कुछ तो करेंगे, तो आपको दिखाते हैं आज की दिनचर्या। अभी फिलहाल हम चक्राता की तरफ जा रहे हैं। A few moments later. नहर है हमारे साथ में, हम एक जगह जा रहे हैं अभी रेस्टोरेंट में। एक साइड पे यमुना है और एक साइड पे नहर होती है, पर ये नहर अभी पीछे से पानी रोका हुआ, खाली है बिल्कुल। ये कौन सी जगह है? पोंटा साहिब में है कोई जगह ये। 2000 years later. तो अभी हम एक जगह आए हैं, ये कोई रिवर व्यू रिजॉर्ट करके है। रिवर व्यू है ना, रिवर व्यू रिजॉर्ट है जिसको रिवर व्यू इसलिए बोलते हैं। यहाँ से दो रिवर, एक इस साइड रिवर है जो आगे दिख रही है, बहुत दूर है, बीच में तारे व्यू खराब कर रही है थोड़ा, अदरवाइज बहुत ही बढ़िया व्यू है। और एक इस रिजॉर्ट के लिए जो रोड आती है वहाँ पे एक नहर है साथ में, वो आज खाली थी। अदरवाइज मतलब ये बिल्कुल जैसे आइलैंड टाइप का होता है, एक साइड नहर और एक साइड रिवर, उसके बीच में है बना हुआ। तो हम खाने पीने रुके हैं, थोड़ा कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पीने, उसके बाद फिर हम चक्राता की तरफ करेंगे प्रस्थान। मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा बहुत, तो वो सामने स्विमिंग पूल भी है पर अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है, अच्छा बना हुआ है, हट्स टाइप की भी बनी है बैठने को। वो आगे स्विमिंग पूल है, वो आगे रिवर है, ये देखो वो है रिवर। बढ़िया जगह है, मेरे को तो अच्छी लगी। सैंडविच की जगह हमने मंगवा लिया चिली चिकन और कोल्ड कॉफ़ी विद द व्यू। लेट है आओ, तो बढ़िया है ये। कभी जा रहे हो पोंटा साहिब से चक्राता की तरफ तो रिवर व्यू रिजॉर्ट में आओ ज़रूर। यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह भी है तो गर्मियों में आपको मतलब वो भी मज़ा आएगा स्विमिंग वुमिंग का, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो भी हम लोग चलते हैं चक्राता की ओर, थोड़ा बहुत रास्ता दिखाएंगे आपको बीच में। ये देख लो नज़ारे, ये सारा जंगल एरिया है बाय द वे। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब हम चक्राता आए थे तब हम यहीं पे एक सरदार जी के ढाबे में रुके थे खाना खाने, जहाँ पे एक मस्त चाय वाला भी था, बेवफा चाय वाला, याद आया कुछ? तो वहाँ पे प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 10 रुपए की चाय थी, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं आप जरूर। ये हाथी वाथी भी आ जाते हैं यहाँ पे रोड पे, यहाँ पे पीछे कलेसर में। भाई साहब रास्ते ऐसे खूबसूरत है ना यहाँ पे, मतलब मजा आ जा रहा है। इस टाइम पे तो हुए ही बड़े अच्छे हुए हैं, हरे हरे मतलब नए वो आए हुए हैं पत्ते पेड़ों में, क्या जबरदस्त लग रहे हैं। और नीचे पे जो पतझड़ वाले पत्ते गिरे हुए हैं बहुत ही मजेदार लग रहा है देखने में यार। भाई साहब हम चक्राता के मूड़ों पे पहुंच गए हैं, चढ़ाई शुरू कर दी हमने, बढ़िया हो रहा है। और जैसे कि मैंने पिछली बार देखा था गंदगी ना के बराबर ही है ऑलमोस्ट, 38 किलोमीटर रह गया चक्राता। मतलब हम यमुना नगर से चले थे, हम मजे मजे में आए हैं और बहुत आराम से, मतलब 140 किलोमीटर का ये रास्ता है यमुना नगर से, और सारा ही रास्ता बढ़िया है एकदम। तो हम आपको थोड़ा बहुत रास्ता दिखाएंगे फिर चक्राता में ही मिलेंगे कहीं होटल वोटल लेके। अभी हमने कोई बुकिंग वुकिंग कराई है, ऐसा भी हो सकता है कि कट जाए हमारा, हमें मिले ही ना कोई रीजनेबल, और हम फैमिली के साथ है नहीं तो मैं ज्यादा पैसे खर्चेंगे नहीं, हम सस्ता और टिकाऊ काम करेंगे। Here we are, somewhere behind चक्राता, 28 किलोमीटर से रह गए चक्राता यहाँ से। क्या नज़ारे हैं, अभी हम रुके हैं ऐसी बीच में, अच्छी लगी लोकेशन, तो थोड़ा सा रोड के नीचे आए हैं, वहाँ कहीं गाड़ी गाड़ी करी है हमने, वो रोड है मेन,
और नज़ारे एक नंबर। कुआं भी खड़ा है भी नहीं भाई। ऊपर धुंधला दिख रहा है, बादल है, होपफुली बारिश मिलेगी हमें ऊपर। चलो चलते हैं आगे। सेकेंड टाइम आगे कैसा लग रहा है? इस बार पहले से थोड़ा ग्रीन तो हाँ, लेकिन हवा ठंडी। क्या नज़ारा है यार, मतलब अब आपको ऐसे दिखेगा नहीं क्योंकि आज धूप भी है और मतलब बादल तो थोड़ा पिछली बार बहुत क्लियर था, इस बार उतना क्लैरिटी नहीं है, बट स्टिल फिर भी ठंडी हवा चल रही है, तो मज़ा तो आ ही रहा है हमें। मज़ा आ गया बॉयज ट्रिप, मतलब बीवी बच्चे घर पे। इस बार हमने सोचा था कि बॉयज ट्रिप बनाएंगे और फुल एंजॉय करेंगे, तो वही हो रहा है इस बार ही। तो चले भाई यहाँ से फिर। अब चलो, अगर आप वाटरफॉल देखना चाहते हैं तो एक छोटा सा वाटरफॉल यहाँ पे भी दिख रहा है मेरे को, जूम करके दिखा दिया मैंने, तो चल रहे हैं हम यहाँ से। हम आ गए थे थोड़ा अंदर रोड पे गाड़ी लगा के, बढ़िया जगह, बढ़िया हवा चल रही है, मस्त मजा आ गया। लेट है ये सारा देवदार का फॉरेस्ट है, क्या लाजवाब रास्ता है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मजा आ गया हमें। टेम्परेचर है यहाँ पे ओनली 21 डिग्रीज पर फील नहीं हो रहा, 21 डिग्रीज भी कम लग रहा है इससे भी। और हम जा रहे हैं पंचवटी इको, जो हमारे दोस्त का एक रिजॉर्ट है, काफ़ी आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो काफ़ी बढ़िया है वो आपको दिख जाएगा, तो वहाँ जाते हैं फिर हम आपको रिव्यू भी देंगे। ये बीच में यहाँ पे रिजॉर्ट से शुरू हो गए थोड़े बहुत से, और नज़ारे तो भाई एक नंबर भी कम है इनके लिए, खतरनाक नज़ारे। पूरे रास्ते वास्ते गिरे हुए थे, वो दिखाया नहीं हमने आपको। ये देखो बरसातों में आना डेंजरस है थोड़ा इधर, अदरवाइज तो बहुत बढ़िया है। ये देखो चक्रात, तब बस हम पहुंचने ही वाले हैं, 5 किलोमीटर पीछे रह गए हैं, और क्या नजारे हैं यार, कसम से जबरदस्त वाले नज़ारे, मजा आ गया है यहाँ पे आके। एकदम ठंडा ठंडा मौसम है, देवदार के पेड़ दिख रहे हैं और पाइन ट्रीज दिख रहे हैं, और ठंड भी लग रही है, और हमारे पास कोई जैकेट नहीं है। और 20 डिग्री से नीचे हो गया टेम्परेचर अभी, और अभी तो हम 8-10 किलोमीटर पीछे हैं अभी, और हमें कैसा लग रहा है देखो, ये बंदा तो बिल्कुल ही निक्कर टी शर्ट में आ गया, मैंने तो फिर भी जीन्स पहनी हुई है। ट्रैवल इन दिस बीस्ट इज लाइक, मतलब मक्खन है यार रोड पे, इतनी बढ़िया चलती है, मजा आ जाता है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की ना। बुढ़ी हो गई है, 1,25,000 किलोमीटर चल गई है, पर इसको निकालने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा, इसको चेंज करने का। मेरा मन करे तो और 1,00,000 किलोमीटर चला दूँ इसको, पर रिस्ट्रिक्शन भी हैं, 2 साल मतलब 10 साल से ज़्यादा चला ही नहीं सकते। भैया पहुंचने वाले टाइगर फॉल, और अब एनर्जी थोड़ी डाउन होगी क्योंकि मोड़ वाला रास्ता है, वो भी घातक मोड़ वाला ही है, तो बस अब पहुंचते हैं और फिर वहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हैं पंचवटी इको से। वैसे तो जब तक हम पहुंचेंगे रात हो जाएगी तो दिखा नहीं पाएंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली सुबह दिखाएंगे आपको। फिलहाल के लिए चलते हैं, किसी गाँव में रुके हैं अभी हम किसी काम के लिए, और ये इतना ब्राइटनेस क्यों हो गई आई डोंट नो, अब ठीक हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है इसको पहाड़ी में बोलते हैं घराट हिमाचली में, ये पानी के प्रेशर से अंदर एक चक्की होती है वो घूमती है और आटा पिसता है उसमें, अभी पता नहीं खुला नहीं है बंद है, वो भी नहीं गया वहाँ तक देखने। क्या बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे, हमारे वहाँ तो घराट बोलते हैं इसको, चक्की पानी के प्रेशर से वो घूम रही है और आटा पिस रहा है और यहाँ इकट्ठा हो रहा है नीचे, बहुत ही सही चीज है। हाँ ऊपर वहाँ पे कनक है वो वहाँ डलती जा रही है और यहाँ पिसती जा रही है नीचे, पहले ऐसे ही पिसता था आटा पहले के टाइम पे, बढ़िया यहाँ से आ रहा है पानी और वो अंदर चक्की में पिसते।
हाँ वो चक्की चल रही है यहाँ पे अंदर, और यहाँ दो तीन बने हुए हैं ऐसे, बढ़िया चले। A few moments later. So finally हम लोग पहुँच गए पंचवटी को। ये देखो ये है स्विमिंग पूल, वो लास्ट वाले आर्मी टेंट में रह रहे हैं हम, क्योंकि और कोई जगह थी नहीं यहाँ पे, बट वो भी अच्छा है। ये कॉटेजेस बने हुए हैं इनके, और जो सिटिंग एरिया स्पेशली वो दूर है वहाँ पे, वो बहुत ही बढ़िया है। और ये नीचे एप्पल ऑर्चर्ड है पूरा, और सामने है मस्त वाली वादियाँ, यहाँ से सनराइज दिखता है। अगर मैं उठ पाया सुबह तो ज़रूर दिखाऊंगा। और इधर इधर नीचे हिल के इधर नीचे यहाँ पे कहीं टाइगर फॉल भी है, और ये ऊपर एक चिड़िया है, आपको दिख रही है कि नहीं पता नहीं, बस उसने घोंसला बनाया हुआ वहाँ पे रह रही हो। ये है रात का नजारा, क्या जबरदस्त लग रहा है, बढ़िया। ओहो